बोले ऋतिक है ना। हम अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। बोल और हम कहाँ जा रहे हैं? तो फ्रेंड्स देखिए अभी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी बाहर, और देखिए बारिश अभी कम ही हो रही है, थोड़ी थोड़ी पड़ रही है। अभी हम कहाँ, अभी हम नारायणगढ़ पहुँचने वाले हैं। मम्मी और हमारी वेट कर रही होंगे उधर, क्यों हम उधर दवाई लेने जा रहे हैं, हमें कुछ काम है, तो इसलिए हमें मम्मी को बुलाया। मैं क्या थोड़ा मम्मी को मिल लेंगे, मम्मी लड्डू को भी देख लेगी, मम्मी ने लड्डू को देखने का मन कर रहा था, तो मैं कहा चलो लड्डू से भी मिल लेगी। तो फ्रेंड्स अभी हम नारायण को ये दिखे लड्डू को कैसे बैठा है लड्डू, उसको नींद आ रखी है, नींद में हो रखा है, क्यों सैंकी की गोद में बैठ के ही जा रहा है, ये गड्डी नहीं चलाने देता उसको, अच्छे से डर भी लगता है उसको, लेकिन ये क्या गोद में ही बैठता है। तो फ्रेंड्स देखिए ऋतिक सो गया है, ये देखिए लड्डू को कैसे बैठा है, लड्डू देख रहा है, ये देखिए नींद आ रखी है इसको, सो के उठा है ये। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंचने वाले हैं, बस ये पहुंच ही गए हैं नारायणगढ़। ये देखिए हमने नारायणगढ़ के अंदर एंट्री कर दी है, तो हम नारायणगढ़ पहुंच गए हैं। हमें रास्ते में आगे मम्मी मेरी खड़ी हुई मिलेंगी, फ़ोन आया था फिर उनका कि हम
तो मैं रास्ते में उधर ही खड़े हैं, हमें लेने का। तो देखे फ्रेंड्स, हम लोगों को भूख लग गई थी तो मम्मी लाई थी हमारे लिए खाना। देखे हमें भी यहाँ रहकर खाना खा रहे हैं। तो किस किस को खाना खाना है बता दीजिए। हाँ बेटा, तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ बैठ के खाना खाया है क्यों हम लोगों को लग गई थी भूख। हाँ, मम्मी से मिल के आ चुके थे तो ये खाना लाई थी, तो हम लोगों ने यहाँ बैठ के खाना खाया है। अभी चलते हैं सैंकी। ये देखिए उधर ढाबा है, उधर से चिप्स लेने के लिए गए हैं। अभी हमने रामगढ़ से चल दिए, हम आए थे दवाई लेने के लिए तो हमने ले लिया है, मम्मी से मिल लिया है। हाँ बेटा, कहाँ चल रहे हो आप? बर्तन क्या खाने वो? देखिए बर्तन ऐसे ही रख के चलते हैं। चलो बर्तन खाते हैं, चलो चलो। देखिए पीछे बारिश थी, नहीं थी यार, आगे बारिश। देख देख, बताइयो क्या भाई, पीछे तो बारिश नहीं थी, यहाँ बारिश हो रही। भगवान की माया भी अलग है। फ्रेंड्स अभी हम घर आ चुके हैं यार, अभी 4:30 का टाइम हो गया है, 5 बजने वाले हैं। तो हम आ गए थे तो मम्मी से उधर मिले हम, तो उधर मैं ब्लॉग नहीं बना पाई कि उधर हॉस्पिटल में भीड़ ज़्यादा थी, तो इस वजह से उधर ब्लॉग नहीं बन पाया। मम्मी लोग आए थे तो हमने दवाई ले ली थी, तो हम दवाई लेकर आ गए। फिर हमने रास्ते में खाना वगैरह खाया उधर ही रोक कर, क्यों खाना तो मम्मी ले ही आई थी, हमें ये था कि हमें टाइम हो जाएगा। लेकिन हमें एक पौना घंटा सारा लगाया उधर। फिर बच्चों को, इनको 5 बजे ट्यूशन भी जाना था, तो फिर क्या है, ये ट्यूशन नहीं जाते, अगर हम नहीं आते तो टाइम पे तो यार ट्यूशन से कैंसिल कर देते। बोल रहे थे कि मम्मी अगर आप नहीं आएंगे तो हम ट्यूशन नहीं जाएंगे, इनको तो बहाना मिल जाता ट्यूशन से रहने के लिए। तो इन लोगों की वजह से जल्दी आना पड़ा। और पता है कहीं भी जाओ ना, इतने थक जाते हैं सच में, बैठे बैठे बैठ कर गए हैं, बैठ कर आए हैं, ऐसा रखा है जो कितने थक रखे हैं, ऐसा मन कर लेट जाओ बस। तो उधर से मम्मी आई थी, ललित आया था और बड़ा भाई भाई था मेरा, तो वीडियो नहीं बन पाई क्यों, एक तो दोनों बच्चे थे साथ में, ऋतिक भी और लड्डू भी, दोनों उधर ये दवाई लेने लग गए, इन्होंने परेशान कर दिया, तो हम लोग नहीं बन पाया। हमें भूख लगी तो हमने रास्ते में खाना खाया भाई, ओके इनको खिलाया, फिर ये सो गए। अब सैंकी गाड़ी चला रहा था या इसको लड्डू को रखता, अब इसको नींद आ रही थी तो उसके ऊपर ऐसे गिर रहा था, तो इसको लेके इसलिए चले गए कि मम्मी बोले कि लड्डू को चलो ले आना, लड्डू को देख लेंगे, बच्चों का एग्ज़ाम था, अगर बच्चों को भी लेकर चले जाते। फिर सोनिया को इधर ही छोड़ना पड़ा क्योंकि 2 बजे बच्चे आ जाते, फिर हमें तो लेट हो जाता। अभी थोड़ी अब 2 घंटे लगे हमें बताओ पटियाला से नया मंदिर जाने के लिए, तो आने में भी टाइम लगा, देखो क्या दूर पड़ ही जाता है घूम घूम के जाते। एक तो पता गाँव से शॉर्टकट नहीं गए क्योंकि आजकल बारिश हो रही है, तो ये नहीं पता कहाँ पानी भर रखा होगा, इस वजह से हम हाईवे से गए, इसलिए टाइम बहुत लग गया। तो अभी थक रखे हैं, ऐसे लग रखा है जहाँ पता नहीं कितने थक रखे हैं कि यहाँ पैदल चल कर आए, बैठने में इतने थक जाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पर ध्यान करते हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज थोड़ा सा ही ब्लॉग बन पाया फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट के बिना कुछ मुमकिन नहीं है। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पर ध्यान करते हैं, बाय बाय। ऋतिक करता तो ऋतिक सो गया थक के आकर। फ्रेंड्स बाय।